Hello students, this is Shaheen and today we will discuss further question from question number 20. Question number 20 says 2 की पावर 1 by 2 into 4 की पावर 3 by 4. अब ये लिखते जाते हैं 2 की पावर 1 by 2 into 4 की पावर को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3 by 4 ये दे रखा है into 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 5 by 6 into 2 की पावर 4 into 7 by 8 into 2 की पावर 5 into 9 by अब इनकी पावर होल पावर 4 है फिर उसकी पावर 3 by 25 तो 2 की पावर 1 by 2 को आप कुछ कर नहीं सकते into यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 2 मिल जाएगा यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपको 2 मिल जाएगा और ये भी 2 अब पावर्स ऐड करते जाओ 1 by 2 3 by 2 plus 5 by 2 plus 7 by 2 plus 9 by 2 सब ऐड कर दोगे तो 2 की पावर 3 1 4 4 5 9 9 9 18 और 7 आ गया आपके पास 25 by 2 into 4 into 3 by 25 तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया तो 2 की पावर 6 जो कि आपका 64 आ जाएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ये एक इंटीजर होता है फ्रैक्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर की पावर नेगेटिव इसको लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना स्क्वायर की पावर नेगेटिव माइनस वन को नेगेटिव और इसको माइनस वन बाय टू वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे पहले इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर को नेगेटिव में लेके जाओ पावर तो ये अपॉन में चला गया इसके साथ ले लो वन और इसकी पावर को भी नेगेटिव ले लो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा एक साइड यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 ये कैंसिल आउट होगा इसका इन्वर्स करना है तो ऊपर पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ और नीचे हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और ये हो गया नेगेटिव ओके अब 1 माइनस लेके चलना है यहाँ पे तो ये हो गया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर और इसकी पावर माइनस 1 बाय 2 है तो एलसीएम में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये से ये कैंसिल आउट और इसकी पावर माइनस 1 बाय 2 अपॉन में लेके जाओ एक्स स्क्वायर ऊपर 1 नीचे और इसकी पावर 1 बाय 2 करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाएगा और 1 का तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लगेगा सब क्वेश्चन में ये सब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर एन और इसकी पावर एन माइनस 1 बाय एन और इसकी होल पावर है आपकी 1 अपॉन में एन प्लस 1 तो पहले इनको सॉल्व करते हैं तो एक्स पहले तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन में एन प्लस 1 को बाहर रखो इनटू में इसको सॉल्व करो एन तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 1 फिर इस एन को भी ले आओ एन तीनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं अब एन से एन कैंसिल आउट एक्स अब आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इसको ए प्लस बी भी लिखते हैं ए ब्रैकेट में ए माइनस बी भी लिखते हैं तो ये हो गया आपका एन माइनस 1 एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 तो एन प्लस 1 से एन प्लस 1 एलिमिनेट हो गया ये हो गया एक्स की पावर एन माइनस 1 दैट इज ऑप्शन नंबर सी फिर क्वेश्चन नंबर 23 आइडेंटिटी पे बेस्ड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे एक्स की पावर अब इन्होंने बोला ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स की पावर एल माइनस एम ऊपर हो गई
और ब्रैकेट के अंदर हो गई आपकी वैल्यू, बाहर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब आ जाएगी। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब आ जाएगी। सिमिलरली एक्स की पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब आ जाएगी। तो एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब, ये सब एलिमिनेट हो जाए। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसके लिए। ये हो गई आपकी आंसर बी ऑप्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। बहुत ही सोच समझ के करना ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे पी की पावर ये हो गया आपकी ए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब इन्होंने ए माइनस बी का होल क्यूब बोला तो पी की पावर 1/3 माइनस पी की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। अब ए का क्यूब ये बचेगा सिर्फ पी, 1/3 से 3, 1/3 इंटू 3, इसलिए ये कैंसिल आउट, सिर्फ पी लिखा माइनस। अब बी की पावर, अब इसकी पावर अगर ये करूंगी तो ये पी की पावर माइनस बनाएगा, तो मैं 1/p लिख लूंगा। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी, ये कैंसिल। अंदर बचेगा a माइनस बी, पी की पावर 1/3 माइनस पी की पावर माइनस 1/3। इस वैल्यू को अगर आप ध्यान दो तो x लिख सकती हूं मैं नॉर्मल p माइनस 1/p माइनस 3 मल्टीप्लाई में x। अच्छा यहाँ पे जब सॉल्व किया तो मैंने a माइनस बी का होल क्यूब किया ना, a माइनस बी का होल क्यूब किया, तो यहाँ पे मुझे मिला क्या, x का क्यूब a माइनस बी पूरे को तो x माना है ना, इक्वल्स टू p माइनस, अगर इनको आप सॉल्व करोगे 1/p और ये हो गया आपका माइनस का 3x। इधर लेके जाओ इसको, अगर यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं तो एक्स क्यूब प्लस का 3x इज इक्वल्स टू पी माइनस 1/3। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को सिंपलीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ही काफी इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा ही क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए पेपर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर आपको वैल्यूज दे रखे हैं 1/1 प्लस ए की पावर एम माइनस एन प्लस ए की पावर एम माइनस बी प्लस 1/1 ए की पावर 1 प्लस ए की पावर एन माइनस एन प्लस ए की पावर एन माइनस बी प्लस 1/1 1 प्लस ए की पावर पी माइनस एम प्लस ए की पावर पी माइनस एन। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, पर क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन में गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1/1 1 प्लस ए की पावर एम माइनस एन ए की पावर एम माइनस पी 1 प्लस ए की पावर एन माइनस एन प्लस ए की पावर एन और पी माइनस एन, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको आते हैं सॉल्व करते हैं। अगर मैं सबसे पहले मैं एक स्टेप को सॉल्व करके बता रहा हूँ और सिमिलरली आप दूसरा और तीसरा स्टेप खुद करेंगे। 1/1 1 प्लस ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन प्लस ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर पी इक्वल्स टू 1/1 अगर नीचे मैं एलसीएम लूँ तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी
यहाँ पे ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी प्लस, अब यहाँ पे एन है, क्या नहीं है, पी नहीं, तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर पी प्लस ए की पावर एम इंटू, यहाँ पे पी है एन नहीं है, ए की पावर, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, एन प्लस पी प्लस ए की पावर एम प्लस पी प्लस ए की पावर एम प्लस एन अपॉन में ए की पावर एन प्लस पी। ये रेसिप्रोकल उस दिन भी मैंने आइडेंटिटी वाली बताई थी, आप लोग कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ये आपका आ जाएगी ए की पावर एन प्लस पी अपॉन में ए की पावर एन प्लस पी प्लस ए की पावर एम प्लस पी प्लस ए की पावर एम प्लस एन। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और इसको भी सॉल्व करोगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज ए की पावर एन प्लस पी, जो अभी मैंने निकाल के दिखाया था, ए की पावर एम प्लस पी प्लस ए की पावर एम प्लस एन अपॉन में ए की पावर एम प्लस एन प्लस ए की पावर एन प्लस पी प्लस ए की पावर एम प्लस पी। अब आप देख रहे हो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम, लेकिन आप लोग ऐसे एलिमिनेट नहीं करोगे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, पूरा एलिमिनेट कर दें, इक्वल्स टू वन बाय वन, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। जो कि आपका आंसर नंबर है, इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन नंबर 25, तो सी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 सेम हाउ, बिल्कुल सेम है, ए माइनस बी दे लोगे ए प्लस बी दे लोगे, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए। ये आपको a प्लस बी ए माइनस बी आपको आइडेंटिटी में मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आप निकालोगे, इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 का छूट गया, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 24, तो ये भी आप लोग खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ए की पावर एक्स, इसको कराते हैं, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी, बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू सी, सी की पावर जेड इज इक्वल्स टू ए, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू के लेती हूँ अगर मैं, नहीं इसको के लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको बी ले लिया, तो अगर मैं ए को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको, इसकी वैल्यू सी जेड है, और सी की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो बी वाई है, और बी को बी की पावर जीरो भी लिख सकती हूं, यहां पे वन वैल्यू हो जाएगी, जीरो रख सकती हूं उसकी वैल्यू को, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 भी पहले वाले क्वेश्चन कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं, फिर ये क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 से टू की पावर एक्स को अगर मैं के इक्वल एड कर रही हूँ तो टू इज इक्वल्स टू के की पावर वन बाय एक्स हो गया, थ्री की पावर वाई इज इक्वल्स टू के एड कर रही हूँ तो थ्री की पावर के की पावर वन बाय वाई, ये तो सिंपल है। सिक्स को माइनस जेड इज इक्वल्स टू के लिख रही हूँ तो सिक्स की वैल्यू के की पावर माइनस वन बाय जेड हो गया। अब आप देखो
सिक्स को मैं टू इंटू थ्री इज इक्वल टू टू, थ्री जे क्या होता है सिक्स, थ्री जे तो सिक्स होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टू की वैल्यू रख दो k की पावर x, वन बाई एक्स, थ्री की वैल्यू रख दो k की पावर वन बाय वाई, और सिक्स की वैल्यू रख दो k की पावर माइनस वन बाय जेड। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले ऐड कर दो वैल्यूज, वन अपॉन में x प्लस वन अपॉन में y इज इक्वल टू k की पावर माइनस वन बाय जेड। इनको कंपेयर करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको वो आ जाएगी वन अपॉन में x प्लस वन अपॉन में y, और z को इधर लेके आ जाओ, प्लस वन अपॉन में z इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे तो वन बचा, वन किस, अच्छा यहाँ पे तो वैल्यू आपकी वन है, लेकिन वन किसकी, अगर मैं इसको k की पावर जीरो लिख सकती हूँ, तो ये हो गई आपकी वन अपॉन में x प्लस वन अपॉन में y प्लस वन अपॉन में z। यहाँ पे तो वैल्यू वन है ना, तो वन किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, k की पावर जीरो, तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन में वाई प्लस वन अपॉन में जेड इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो इस वीडियो में इतना ही, आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।